अपनी शैल मेरे चैनल शैल कवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो कई बार बच्चों ने बोला कि मैम मुझे ग्लविंग एंड गाउनिंग सीखना है। तो आप लोगों ने जो बुक में पढ़ा होगा ग्लविंग एंड गाउनिंग, तो वो जस्ट डिफरेंट होता है। जब हम किसी एरिया में आते हैं या किसी फील्ड में काम करने के लिए उतरते हैं, जो काम करने का तरीका होता है तो वो बाय रिटेन से जस्ट डिफरेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम किसी लाइव पेशेंट पे काम कर रहे होते हैं, और बुक इज नॉलेज में क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मिनट के अंदर आपको रेडी भी हो जाना है और ऑपरेशन के लिए तैयार होना है। तो मैं यहाँ का जो तरीका है, यानी कि जो तरीका आपको पूरे लाइफ निभाना है, वो तरीका वो स्टेप मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो बहुत देर नहीं करते हुए चलिए आइए देखते हैं हमारे प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ ग्लविंग। ग्लविंग मेरा एक और है वीडियो, आप जाके प्रॉपर ग्लविंग का वहां पर देख सकते हैं कि ग्लविंग कैसे करते हैं। मैं अब प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ ग्लविंग का। नाउ ग्लव्स ओपन करते हैं। तो देखिए हमें अंदर टच नहीं करना है, ग्लव्स को यूं ही ओपन कर लेना है। इसमें लिखा है राइट एंड लेफ्ट। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको ओपन करते हैं, टच कहीं भी नहीं करते हैं। ये रैपर है, इस तरह से इसको पकड़ते हैं और इस तरह से इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट वाला पहनेंगे, राइट में। तो राइट वाला पहनते हैं तो हम इसके बाहरी साइड यूज मतलब हम टच नहीं करेंगे, जो एरिया हमारे ऑपरेशन की तरफ रहेगा उसको टच नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर साइड से टच करेंगे। ये अंदर चला जाएगा, तो ये जो भी इन्फेक्टेड रहेगा वो अंदर ही रहेगा। तो इसको हम इस तरह से यूज करेंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम इसके ही हेल्प से, क्योंकि ये पूरा स्क्लाइज है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ से उठाएंगे और हम लेफ्ट हैंड में वियर करेंगे। हमें ग्लव्स को कहीं भी ओपन नहीं करना, सीधे उठाना है, टच करना। तो ये देखिए हम इसको, ये मेरा पूरा क्लीन है तो इसको इस तरह से हम कर लेंगे, और कहीं भी कुछ है तो उसको हम सही से कर लेंगे। अब ये भी क्लीन है तो हम इसको ऊपरी सतह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फिट कर लेंगे। तो ये हो गया ग्लविंग। तो छोटा सा प्रोसीजर है ग्लविंग में, लेकिन इस ये पूरा ग्लविंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम गाउनिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाउनिंग स्टार्ट, इसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है इस तरह से। तो मैंने पूरा पहले से मतलब कि हैंड वॉशिंग कर ली थी, शू कवर और ये सारा कुछ पूरा पहन लिया है। इसको बोलते हैं प्लास्टिक एप्रन। तो प्लास्टिक एप्रन मैंने प्रोटेक्शन के लिए हैंड वॉशिंग से ही पहले इसको पहन लिया है। इसके बाद में अब करती हूँ गाउन को ओपन। तो ये है गाउन, ये देखिए इस तरह से गाउन हमें मिलता है। इस पर फोकस करना, ये इस तरह से गाउन स्प्लाइज होने के लिए जाता है, तो इस तरीके से टंग रहता है। तो ये देखिए इसमें से एक ये रिबन बंधा हुआ है, तो इसको हमें कर लेना है ओपन। तो ये मैंने कर लिया ओपन, और इसको कहीं भी टच नहीं करना, इसको इस तरह से टच करना सीधे, और ये हमको ये करके इस तरह से वियर कर लेना है। तो क्योंकि ये स्क्लाइज गाउन है तो इसको कहीं भी हमें ओपन नहीं करना है। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर भी एक रिबन रहता है, तो इसको क्या करना है, टाई कर लेना है, और फिर दोबारा से एक हमें ग्लव्स वियर कर लेना है फॉर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो एक होगी यहाँ पर सर्कुलेटिंग नर्स एंड एक होती है स्क्रब नर्स। तो जो स्क्रब नर्स होगी वो यहाँ पर सर्कुलेटिंग नर्स होगी, वो उसके हेल्प से ये हमें पहना देगी। बच्चों समझ में आया ग्लविंग एंड गाउनिंग? Yes, तो कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा।
तो इससे सारा कुछ समझ में आ गया। यस मैम। ओके तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को जो लोग अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से मैं वीडियो लाती रहूँगी और आपका नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।